Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shuti Sharma. हेलो फ्रेंड्स दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंपलीफाइड। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट डी एन ए वर्सेज आर और साथ ही साथ ये भी समझेंगे व्हाई डू मोस्ट डेडली वायरस कंटेन आरएनए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट सी वाई न्यूज आखिर ये डी एन ए न्यूज़ में क्यों है पहले जरा इसको समझते हैं देखिए रिसेंटली द हिंदू न्यूज़ में डी एन ए से रिलेटेड एक आर्टिकल पब्लिश हुई थी जिसमें डिस्कस किया गया है वाई डू मोस्ट डेडली वायरस कंटेन आर एन ए मीन्स जो अधिकांश घातक वायरस होते हैं उनमें आर एन ए क्यों होता है इन सारी बातों को आर्टिकल में डिस्कस किया गया है तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे समझेंगे डी एन एंड आर क्या होता है और साथ ही साथ ये भी समझेंगे ये जो मैक्सिमम डेडली वायरस होते हैं उनमें आर क्यों होता है इन सारी बातों को समझेंगे तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डी एन एंड आर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं सो इट विल बी जी टू अंडरस्टैंड आर एंड वायरस कनेक्शन आर एंड वायरस का कनेक्शन क्या होता है हमारे लिए समझना थोड़ा और भी आसान हो जाएगा देखिए अगर हम बात करें तो ऑल वी नो डी एन एंड जो आर है ए हैं बोथ आर एक्रोम डी एन ए स्टैंड फॉर डी ऑक्सीराइगोन्यूक्लिक एसिड एंड आर एन ए स्टैंड फॉर राइबो एसिड बोथ आर क्या है जेनेटिक मटेरियल्स हैं जेनेटिक मटेरियल्स की अगर हम बात करें मीन्स बोथ कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर मींस दोनों में क्या होता है जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन होता है वो कैरी करते हैं और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करते रहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल समझिए डी एन ए क्या होता है ह्यूमन बॉडी में होता है जो हमारी जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो कैरी करती है और नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करती है बट जो आर एन ए हैं ये जितने भी वायरस वगैरह होते हैं उनके जो इन्फॉर्मेशन होते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन उन्हें स्टोर करता है उन्हें कैरी करता है नेक्स्ट जो भी जनरेशन होती है हो उनमें अगर हम बात करते हैं कि डी एंड आर का काम क्या होता है देखिए बोथ का काम क्या होता है कि प्रोटीन क्रिएट करना है एंड दोनों के दोनों न्यूक्लिक एसिड होते हैं जैसा कि नाम से क्लियर है डी ऑक्सीराइबो एसिड एंड राइबो एसिड तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ इससे रिलेटेड देखकर डी एन की बात करते हैं तो डी एक डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है एंड आर सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है डी एन के अगर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो डीएनए का स्ट्रक्चर जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं ये एंटी पैरलर हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है एंड आरएनए लूप लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर इमेज को थोड़ा समझना थोड़ा आसान होगा देखिए डीएनए का जो स्ट्रक्चर वो हेलिकल होता है जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं हेलिकल में जस्ट इस फॉर्म में होता है ये बट ये जो आपको लग रहा है कि यहाँ पे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है बट ऐसा नहीं होता है इमेज में ऐसा आपको लग रहा है बट एक्जैक्टली ये दोनों एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं एंड जो आर होता है पूरी तरह से सिंगल स्ट्रक्चर होता है सिंस वी ऑलरेडी डिस्कस कि डी एन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर एंड ट्रांसफ़र करता है टू जनरेट न्यू सेल एंड ऑर्गेनिज्म बट जो आर एन ए होता है वो जेनेटिक कोड को न्यूक्लियस से राइबो में ट्रांसफ़र करता है ताकि प्रोटीन क्रिएट हो सके एंड डी एन ए ब्लू प्रिंट की कैरी कर सके वहाँ पर लेमन टर्म में समझते हैं कि क्या है देखिए बोथ क्या है केमिकल कजन है दोनों के अपने अपने रिश्तेदार हैं भाई बंधु ही हैं एंड दोनों का वर्क डिफरेंट है बट कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होते हैं दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है दोनों जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं एंड नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं इस ट्रांसफ़र के ड्यूरेशन में अगर कोई एरर आता है जस्ट फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसे ट्रांसफ़र करते हैं बट ये जो ट्रांसफ़र है इसके बीच में अगर कोई एरर आता है तो डीएनए में पाया जाने वाला जो एंजाइम है जिसे हम डी पॉलीमरेज कहते हैं वो एरर को करेक्ट कर सकता है ये डीएनए में होता है डीएनए पॉलीमरेज जो एरर है जो डोरेसन ट्रांसफर हम कॉपी की बात कर रहे हैं इस प्रोसेस में जो भी एरर आएगा उसे पूरी तरह से वो सही कर देता है एंड इस प्रोसेस को कहा जाता है प्रूफ रीडिंग जस्ट फॉर एग्जाम्पल जैसे हम पढ़ते हैं ना प्रूफ रीडिंग करते हैं तो कुछ गलतियाँ निकलती हैं हम उसे सही कर देते हैं तो डी में जो डी में पोलीमरेज होता है जो एंजाइम होता है वो इस एरर को पूरी तरह से सही कर देता है मीन्स कॉपी के टाइम में जो एरर होगा वो डी में एंजाइम प्रूफ रीडिंग के थ्रू उसे सही कर देता है बट जो आर एन ए हैं आर एन ए के जो पोलीमरीज होते हैं उनमें भी पोलीमरीज होते हैं वो प्रूफ रीडिंग करने की एबिलिटी नहीं होती है जिसके कारण क्या होती हैं गलतियाँ हो जाती हैं डी एन ए में तो एक्जैक्टली आपने देखा होगा क्या होता है कि जो जितने भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल समझिए कि आपके ग्रैंड फादर के थ्रू या आपके फादर पे पास आया कुछ इन्फॉमेसन एंड फादर से फिर आप में आया तो कुछ चीज़ें क्या होती हैं सिमिलर होती हैं बट जो आरएनए होता है उसमें ऐसा नहीं होता है क्योंकि जब प्रूफ रीडिंग वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है वहाँ पर जो भी अगर एरर बीच में आया तो उसे बिल्कुल सही नहीं किया जा सकता है मीन्स गलतियाँ ज़्यादा होती हैं एंड जीनोम शॉर्टर होते जाते हैं आर एन क्या होते हैं रिकॉम्बिनेशन करने में भी कैपेबल होते हैं जिसके कारण आर मल्टीपल जो पीसेज होते हैं उसे स्टिच करने में को अलाउ करते हैं ये कुछ सिमिलैरिटीज हैं डिफ्रेंसेज हैं जो दोनों में हैं तो हमारे लिए समझना थोड़ा आसान हो जाएगा कि क्यों आखिर जो डेडली वायरस होते हैं उनमें आर क्यों होता है इसको जरा समझते देखिए और ज़रा समझते हैं वाई डू मोस्ट डेडली वायरस कंटेन आर जो मैक्सिमम डेडली वायरस होते हैं उनमें आर क्यों होता है उसको जरा समझते देखिए सिंस वी ऑलरेडी डिस्कस कि डी में क्या होता है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है ट्रांसफर करने के दौरान जो भी एरर होगा उसे करेक्ट करने की क्षमता होती है कैपेसिटी होती है डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू प्रूफ रीडिंग होती है वहाँ पर उसके थ्रू जो भी एरर आएगा उसे पूरी तरह से वहाँ पर करेक्शन कर लिया जाता है बट आ में ऐसा नहीं होता है हमेशा समझा जिसके कारण क्या होता है कि आपने बहुत बार सुना होगा कि एक ही वायरस म्यूटेशन के थ्रू अलग अलग फॉर्म में क्रिएट हो जाता है मीन्स कोविड वायरस के एग्जाम्पल्स अगर हम समझते हैं मान लीजिए कोविड का जो वायरस था उसमें हमने क्या देखा कि बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट हो गए ये जो अलग अलग वेरिएंट हम जिसकी बात कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब कॉपी हुई जब कॉपी होती है तो बीच में जो एरर आता है उसे सही करने के लिए वहाँ पर पॉलीमरेज जो होते हैं जो रूप रेडिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है डी एन ए पोली में तो वहाँ पर ये नहीं पाया जाता है इसके कारण क्या होते हैं कॉपी के टाइम में एरर होता है एंड इस एरर के कारण ही एंजाइम जो होते हैं वो अलग अलग चीज़ों को क्रिएट कर देते हैं मीन्स अलग अलग वेरियंट क्रिएट हो जाते हैं ये आसानी से आप समझ सकते हैं इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें बिसाइड दिस आर एन जो होते हैं वो रिकॉम्बिनेशन करने में कैब्बल होते हैं मीन्स इसका अगर अलग अलग म्यूटेशन भी होता है तो वो रिकम्बाइन कर सकते हैं उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो हमारे सामने है वो सार्ज कोविड टू है तो ये सारी कुछ बातें हैं साइंटिस्ट ने देखिए अपने रिसर्च में ये भी प्रूव कर दिया है कि बहुत सारे जो वायरस हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो आर के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं लाइक like कोविड की अगर हम बात करें या फिर डेंगू हो गया चिकनगुनिया हो गया इबोला वायरस हो गया जीका हो गया इन सब में क्या है आर ही फाउंड हुए हैं ना कि डी एन फाउंड हुए हैं तो होप अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि जितने भी डेडली वायरस होते हैं उनमें आर क्यों फाउंड होता है तो होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी थैंक्स फॉर वॉचिंग